गाइस आज का टॉपिक है फ्लो ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी, आपको पता है आपकी बॉडी किससे कंट्रोल होती है? एक सोल से कंट्रोल होती है। जब भी आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी सोल निकल जाती है और बॉडी तो वहीं की वहीं रह जाती है। तो जितने भी आपके सेंसेस, आंख, नाक, कान, जैसी सोल निकलती है वो आंखें खुली रहती है पर दिख नहीं रही होती। इसका मतलब आंखों के पीछे कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी है जो आपको देखती है। तो आंखें एक आपकी इंस्ट्रूमेंट है, नोज एक इंस्ट्रूमेंट है, पर इसके अंदर जो एनर्जी है उसे बोलते हैं सोल होती है। उस सोल को कौन कंट्रोल करता है? उस सोल को एक परमात्मा कंट्रोल करता है, उसे कहते हैं सुपर सोल, जो विष्णु द्वारा कंट्रोल करी जाती है। उस विष्णु को कहा जाता है क्रियोदक्षाय विष्णु। वो हर लिविंग एंटिटी में फॉर्म क्रिएट करे जाते हैं कृष्ण द्वारा। एक तो आपको ये हो गया, ये समझना पड़ेगा। फिर आप देखोगे एक ब्रह्मांड है, एक यूनिवर्स है, उसमें सारे लिविंग एंटिटी रहते हैं। इंसान भी रहते हैं, जानवर भी रहते हैं, पेड़ पौधे भी रहते हैं। उन सब लिविंग एंटिटी में एक तो अभी मैंने आपको बताया विष्णु रहते हैं, और एंड उस ब्रह्मांड में, हर ब्रह्मांड में एक और विष्णु रहते हैं, उसे कहते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। वो ओवरऑल यूनिवर्स की मेंटेनेंस रखते हैं। उस गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी क्रिएट होते हैं, ब्रह्मा जी से शिवा क्रिएट होते हैं, और वो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश वो आपके उस ब्रह्मांड को प्रोटेक्ट करते हैं, विच इज कहते हैं क्रिएटर, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन करते हैं। सो ये आपको ऐसे आपके पूरे संसार में कई बिलियन ऑफ यूनिवर्स है, उन बिलियंस ऑफ यूनिवर्स को कौन क्रिएट करता है? वो महाविष्णु क्रिएट करते हैं, जो उसकी जो सागर में लेटे हैं शेषनाग के नीचे, जिसमें लक्ष्मी जी आप देखो उनके पैर दबा रही है। वो कई मिलियन ऑफ बिलियंस ऑफ यूनिवर्स क्रिएट करते हैं अपने ब्रीथिंग से। तो एक ब्रीथिंग से एक यूनिवर्स क्रिएट होता है, ऐसे कई सैकड़ों यूनिवर्स है। तो इन सब यूनिवर्स को मिला के उसे कहते हैं एक मटीरियल वर्ल्ड। हर यूनिवर्स में 14 लोक होते हैं, 14 प्लैनेट कहते हैं। वो 14 प्लैनेट उन्हें कहते हैं तीन लोक में बटा करा जाता है। धरती से ऊपर 7 लोक होते हैं, एक धरती होती है, धरती के नीचे 6 लोक होते हैं, टोटल हो गए 14 लोक होते हैं। धरती से ऊपर स्वर्ग लोक होता है, धरती के नीचे नरक लोक होते हैं। उन सबको मिला के आपको एक यूनिवर्स बनता है। ऐसे हर यूनिवर्स में सारे प्लैनेट्स होते हैं, इन सबको मिला के आपके मटीरियल वर्ल्ड इसे कहते हैं, जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड का 25% है। तो रिमेनिंग 75% कंट्रोल, स्पिरिचुअल कंट्रोल, वो भगवान कृष्ण के हाथों में है, जो कि गोलोक धाम में रहते हैं। तो कृष्ण जी फर्स्ट है आपके, जैसे लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, जो गोलोक धाम में रहते हैं, जो अल्टीमेट उद्देश्य होता है किसी इंसान को गोलोक धाम में जाने का, उसके नीचे आपकी सारी हायरार्की फॉलो होती है। आई होप आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो। हरे कृष्णा।